फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने इस इंडस्ट्री का एक और काला सच खोला। इस एक्ट्रेस का कहना है कि इसकी प्रेगनेंसी के बाद जब थोड़ी हेल्थ पुट ऑन हुई हुई थी इसकी, और जब इन्हें अपनी एक फ्रेंड की शादी में जाना था, कुछ फैंसी कपड़े चाहिए थे, तो एक ए लिस्टेड डिज़ाइनर जिसे वो अपना दोस्त समझती थी और जिसके साथ अच्छी पटती थी, उसने इन्हें कपड़े देने से मना कर दिया। ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि नेहा धूपिया है। नेहा धूपिया भी समय समय पर इंडस्ट्री के कई काले चिट्ठे खोल चुकी है। इस बार नेहा धूपिया ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बात की है। उनका कहना है कि पहली बार जब वो प्रेग्नेंट हुई थी और बच्चा हुआ था तो ये लंबा चला था, लेकिन सेकेंड टाइम उन्हें समझ आ गया था। हाँ, इस बार एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, वो ये कि प्रेगनेंसी के बाद उन्हें एक शादी में जाना था, थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ हुआ था। उन्होंने अपने उस फ्रेंड डिज़ाइनर जो काफ़ी अच्छे और गहरे दोस्त थे, उनसे कहा कि मुझे कुछ फैंसी कपड़े चाहिए, तो उस डिज़ाइनर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास तुम्हारे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। नेहा धूपिया इस डिज़ाइनर को अपना दोस्त समझती थी। इस डिज़ाइनर का नाम तो रिवील नहीं किया नेहा धूपिया ने, लेकिन बताया कि इंडस्ट्री का ए लिस्टर फैशन डिज़ाइनर है और जिसे मैं अपना दोस्त समझती थी। अब नेहा धूपिया, जो कि आधी इंडस्ट्री के साथ दोस्ती रखती है, अपने नो फिल्टर नेहा शो में कई सारे सेलिब्रिटीज़ को बुला चुकी है, इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, उनके साथ भी ऐसा हो जाता है तो सोचिए बाकी स्ट्रगलर्स और दूसरे लोगों के साथ क्या होता होगा। सिर्फ नेहा धूपिया नहीं बल्कि यामी गौतम ने भी ये झेला है, वो भी तब जब वो फिट थी। हालांकि यामी गौतम को उस डिज़ाइनर ने सिर्फ और सिर्फ कपड़े इसलिए नहीं दिए क्योंकि उसका कहना था कि यामी गौतम इतनी पॉपुलर नहीं है, और यामी गौतम ने इस डिज़ाइनर को अपनी जगह तब बताई जब यामी गौतम ने शादी की और शादी में किसी भी डिज़ाइनर का लहंगा नहीं पहना, उन्होंने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने, येट वो बेहद खूबसूरत ब्राइड लगी। और एक संदेश उन्होंने दिया कि आप अगर मनीष मल्होत्रा के या सभ्यसाची के लहंगे नहीं पहनोगे तो भी आप शादी में खूबसूरत लग सकते हो।